मर रहा है सुबह का, कोई अंडे बॉयल करके कोई फ्राई में, ये देखिए इस तरह से। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीच में अपने चैनल पे वेलकम करती है, हंसो और हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। शादी के फंक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, ढोल की गाना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, ये वो जो भी होता है, खुशी का समा। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान, मुल्तान की राउंड के आना जाना, खैरात ख़त्म, कुरान पाक सब कुछ आपके साथ शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो अब हम आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद की लाइफ, फंक्शन, पार्टियां, शादियां। अल्लाहर्रहमानर्रहीम, आ चुकी है पति की बारी। दूध बॉयल होता है, पानी और दूध में इकट्ठे मिक्स करके हम डाल देते हैं, फिर दूध बॉयल होता है उसमें पत्ती ऐड करते हैं। बॉयल हो पत्ती ऐड करें, ये झाग ख़त्म करें। बहुत टेस्टी मज़े की चाय रेडी हो चुकी होती है, ये एग भी रेडी है। निकालते हैं नमकदानी वगैरह, ब्लैक पेपर साथ रखने के बाद टेबल पे सर्व करते हैं। कोई खा रहा है बॉयल, कोई खा रहा है फ्राई, कोई खा रहा है आमलेट, डबल रोटी, रोटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो विलास बुक कराया है फंक्शन के लिए, शादी के लिए, वहाँ हम जाएँगे, वहाँ की रौनकें आपके साथ जल्द शेयर करते हैं। रहीम चिकन शनवारी बना रहे हैं हम, इसमें सबको पता है ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है, बाद में रिमूव कर देते हैं जी। तो चिकन तो बिस्मिल्लाह करके इनको ऐड करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले इसका पानी ड्राई करना है। डिलीवर्स मैं दोबारा इसको निकाल क्यों रही हूँ, क्योंकि इसकी बोटी हमने करनी है छोटी। मैंने कह भी दिया था कसाई से, कहना छोटी कर दे। मैं साथ इसलिए जाती हूँ कसाई के, आप लोग देखते होंगे जैसा मैंने सालन वगैरह बनाना होता है उसी हिसाब से चिकन पीस बनवाती हूँ। ये चिकन पीस बड़े, पहले इनको मैं छोटा करती हूँ। चिकन कढ़ाई के पीस छोटे होते हैं तो टेस्टी बनती है। उसके बाद दोबारा कढ़ाई के पास आते हैं, चूल्हे के पास आते हैं, आग के पास आते हैं, सब आपके साथ शेयर करते हैं बहुत मज़े की टेस्टी शनवारी कढ़ाई बिजी बेबे के किचन में। रहमान रहीम, चिकन के पीस मैंने कर रहे हैं छोटे, ज़्यादातर ये वाइट बोटी होते हैं ना, इसको शार्प बनाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत टेस्टी मज़े की बनेगी। इसका पानी ड्राई करने के बाद कैसे कैसे मिसाले चीज़ें ऐड करते हैं वो अब मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ। चारों तरफ काम हो रहा है, उधर से जूस बनाया जा रहा है। अब इसमें हमें ऐड करना है, पानी ड्राई हो चुका है, होने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसको ऐड करते हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते हैं। ये हमारे पास है मिसाले, थोड़ा भुनाई करने के बाद ये हमारे पास है मिसाले, साबित गरम मसाला, चुटकी, ये देखिए मेरे पास चुटकी है इसमें दालचीनी की, लाजमी ऐड करें, इसका अच्छा सा अरोमा होता है। छोटी इलायची है, गरम मसाला साबित थोड़ा थोड़ा है, सौंफ है, जीरा, सूखे धाने, खुश्क लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है थोड़ी सी, वो ऐड की है अपने टेस्ट के हिसाब से। हम ऐड पे करेंगे वाइट और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ये कढ़ाई मसाला आपको नज़र आ रहा है, स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 लाल प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद, जैसे एक तरीक़ाकार होता है शनवारी कढ़ाई का, तो मैं सब आपके साथ जल्दी जल्दी में हूँ। मार्केट भी जाना है मेरा, सबको पता है, देखने वालों को दांत का मसला चल रहा है, तो उसके लिए ये देखो टमाटर इसी तरह से आप इनका पहले छिलका उतार के भी डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कढ़ाई काफ़ी सारे तरीक़ों से बनाई जाती है। इसका मैं लगा रही हूँ अब ढकना, ये लग गया इसके ढकना, आ करते हैं बिल्कुल स्लो। इसका पानी, भाप, स्टीम नरम होंगे, भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद ये देखें, ये दही रख के जा रही हूँ, मैंने रेडी होना है, रेडी होने के बाद दोबारा आती हूँ इसका कंप्लीट करने के बाद, फिर मार्केट जाऊँगी, दाग के लिए जाऊँगी, काफ़ी सारे काम है। जल्दी जल्दी मैं बिजी बेबे कंप्लीट रेसिपी समझा देती है, तो कंप्लीट आप मेरी व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी भी समझ आ जाएगी, मेरी मसरूफियत भी समझ आ जाएगी, मेरी बातें भी समझ आ जाएगी। इस वक्त चलती हूँ। चिमटा देवी मासी, ये देख कि मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, छिलका उतार के या बाद में जैसे ये नरम होता है आप निकाल सकते हैं। ये देखें ईजी ही निकल आता है, ओरिजिनल शिनवारी कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह। कितनी ब्रांचें हैं इसकी,
टेस्ट अच्छा होता है, तो इसलिए उनकी ब्रांचें भी हर हर शहर में बुलाई जाती हैं। और कुछ ब्रांचें एक शहर में पांच पांच छः छः ब्रांचें होती है। अच्छी तरह से हम इसकी आग तेज़ करके भुनाई करते हैं। अगर ये सख्त है तो थोड़ी देर के लिए मज़ीद ढकना लगा दें। मुझे भी सख्त लग रहा है, मैं फिर ढकना लगाती हूँ। हम आ चुके हैं वापस, इसको मज़ीद ड्राई करते हैं। इसको तकरीबन एक पाव, मुझे हाफ कप और भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बंदे भी फैमिली भी मेंबर भी ज़्यादा हैं, तो ग्रेवी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा है, हम हाफ डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा खटास, ज़्यादा दही, हर चीज़ है एक बैलेंस और हिसाब रहता है, वो चीज़ टेस्टी बनती है। चिकन कढ़ाई हरा वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड करते हैं हिसाब से। हाफ चम्मच ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये एक चम्मच डेढ़ से हम अपना टेस्ट चेक करेंगे। अभी मज़ीद इसको हमने गाढ़ा करना है, उसके बाद ये भगार लगाएंगे। सबर मिर्ची और सबर धनिया, थोड़े से मैंने पुदीने का पत्ते भी, खुशबू टेस्ट अच्छा आता है, वो भी ऐड कर दिए। तरह ये भी कढ़ाई बड़ी टेस्टी है, खुशबू आ रही है, सब इंतज़ार में बैठे। आप लोग मेरे घर की रूटीन देखते हैं, कोई भी रोटी नहीं खाता इस तरह, इसकी खुशबू की वजह से सबको भूख लग गई है। तो विलेज में जो मैंने सालन बनाया था वो नाश्ते में ढूंढ रहे थे, मज़े का टेस्टी था एग वाला, वो ज़रूर देखें जिन्होंने मेरी रेसिपी नहीं देखी। तो ये लेके चलते हैं टेबल पे, इसी तरह से गरम गरम खाएंगे। हुसैन हटा मियां, दांतों का मसला हल नहीं हो रहा। आ चुके हैं नकली शॉप पे, इसकी नज़र भी चेक करवाते हैं, थोड़ी सी देखने में हमें फील होता है, उसे नहीं होता। ये देखें इतना शोर, किसी पे की आवाज भी नहीं आ रही। प्रैक्टिस गाने, शादी का माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह की रूटीन शुरू हो चुकी है। बीजी बेबी अपने चैनल पे वेलकम करती है। ये काफ़ी सारे आलू भी हैं। इसी तरह से हम शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी लेते हैं, वो भी फंक्शन के लिए, शादी के लिए, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और चलते हैं विलास भी, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। काफ़ी मसरूफियात है, कम्प्लीट खूबसूरत ब्लॉग देखें। मेरे व्यूअर्स, हम विलास, वहाँ हमारे फंक्शन होंगे, चंद दिन का प्रोग्राम है, वहीं ही सेट हो रहे हैं। आज सारा सामान भी चला गया, बच्चे भी चले गए, हम एंड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के भी आपके साथ शेयर करते हैं, मौसम भी दिखाते हैं, वहाँ विलास में सेटिंग भी करनी है। तो मेरे छोटे छोटे व्लॉग आते रहेंगे, कोई मिस भी हो सकता है। ये है आज का वेदर, धुंध, तो हम जा रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ चली गई हैं सामान लेके, बच्चे भी चले गए, एंड पे हम चार पांच लोग रह गए हैं, तो हम भी चलते हैं, तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी। मेरे बस मेरी कोशिश होगी, चलते भी हैं साथ साथ, आपके साथ बातें भी करते हैं, जो भी ब्लॉग होगा कोशिश करूँगी डेली का लगा सकूँ। मिस हो सकता है मसरूफियत की वजह से, मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है, तो वहाँ जा कर सेटिंग भी करनी है, फासला बहुत ज़्यादा है, तकरीबन एक घंटा लगता है। ये हमारा विला पिंडी में है, बहरहाल बहुत अच्छी जगह पे, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। चलते हैं, गेट पे पहुंच चुके हैं, तो अंदर चल के भी थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करती हूँ। रात काफ़ी हो चुके हैं, थोड़ा सा मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं, अंधेरा तो है बहरहाल, इतना भी नहीं है कुछ। तो हम पहुंच चुके हैं विलास में, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं, वो देखें झरोके से आमद खान वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसको ढूँढ रहे हो? फूफा को? वही वही, ठंडा ठंडा, मैं आ रही हूँ, चलो मैं आ रही हूँ, ठंडा उधर से चलते, उधर से, उधर से रास्ता। हाँ सर्दी कौन है? सर्दी थी, बिस्तरे भेजे हैं, चीजें भेजी हैं, सारा कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम, ऊपर ये बच्चे ऊपर जा रहे हैं, ये देखें बिस्तरे वगैरह भी आ चुके हैं, यहाँ ये किचन वगैरह इस तरह से सेटिंग होगी। ये खोल लेना ना स्टोर, क्या स्टोर? एक कार्टन छाटन जेड़े हैं ना, वो साइड था साइड का करना, अच्छा खुला पे खोल। इस तरह से मेरे व्यूअर्स, ये सारा
फंक्शन अरेंज करेंगे इधर छोटे छोटे। वो चुप, वो ढूंढ लेंगे, आवाज़ नहीं कर ढूंढ लेंगे। हमारे अहमद खान का क्या काम होता है, जब कोई ढूंढने के लिए आता ना कहता है इधर हूँ ऐसे बोलता है। कल हमारा फंक्शन होगा ब्राइडल शावर, शेयर करेंगे कंप्लीट, देखना अहमद खान की शरारतों के साथ। अल्लाह हाफिज़।